हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पे अच्छे होंगे। जैसा कि इसके पहले आप लोगों को बताया गया था, जो नाउन एंड द नंबर के बारे में हम पढ़े थे, और नाउन एंड द नंबर में जो हमारा था वो आठ नियम के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आगे पढ़ने से पहले हम कुछ आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने YouTube पे वीडियो देखा भी होगा और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। समझ में आ गया होगा तो कम से कम आपके पास जो टेक्स्ट बुक होगा, इंग्लिश का जो टेक्स्ट बुक होगा, यानी ग्रामर की जो किताब होगी, उसमें आप देखें तो बहुत से ऐसे एक्सरसाइज आपको मिलेंगे और आसानी से आप उसे कर सकते हैं। जो आपके ना समझ में आए, बेहिचक होके उसे आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, जिसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग इंजॉय के साथ पढ़िए, ऐसा नहीं कि प्रेशर नहीं है। और ये भी ध्यान रखिए कि जो बोर्ड के रिजल्ट आने वाले हैं, जो कोरोना महामारी चल रही थी इसमें रिजल्ट की देरी हुई, अब रिजल्ट जो हमारा है 27 तारीख को लगभग डिक्लेयर हो चुका है, और 27 तारीख को डिक्लेयर होने वाला है, और 27 तारीख को आपके पास आ जाएगा हाई स्कूल रिजल्ट और इंटर का रिजल्ट भी आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, और हमेशा टारगेट अपना जो है हमेशा फिक्स करिए कि हमें इतना तक हमें पहुँचना है। जैसे मान लीजिए आप लोग कम से कम 600 का पूर्णांक होता है हाईस्कूल का, 600 में से कम से कम इतना टारगेट तो फिक्स करना चाहिए कि हमें 90% तो चाहिए, किसी भी हाल में 90% चाहिए तो चाहिए। इतना टारगेट फिक्स कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप आने वाले समय में निश्चित सफलता आपको मिल सकती है। तो चलिए इन सब बातों को छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं, और आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे रोल नंबर, यानी हम लोग पढ़ रहे थे सिंगुलर से प्लुरल बनाने के नियम। तो हमारा हेडिंग देखिए वही रहेगा, देखिए आप ये सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम हम यही पढ़ेंगे, और ये हमारा जो वीडियो होगा इसका जो होगा पार्ट 3 होगा, ठीक है, यानी पार्ट 3 होगा। यह इसके पहले हम लोग पढ़ चुके, दो पार्ट वीडियो आपको डाला गया, पीछे जाके आप देख सकते हैं। और अगला जो हमारा नियम है, कल हम 8 तक पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे नियम नंबर 9, ठीक है। आज का जो हमारा नियम है वह आपका है VES जोड़कर, VES जोड़कर, यानी जैसा कि आपको हमें पता है कि VES जोड़कर, यानी कब हम VES जोड़ते हैं इसके बारे में आपको बताया जाएगा, और निश्चित रूप से बहुत ही आसान यह है और आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। और जहाँ पे तनिक भर भी आपको दिक्कत हो, यानी तनिक भर भी आपको परेशानी हो कि हाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, VES जोड़कर कैसे हम बहुवचन बनाएंगे। तो दिमाग में रखिएगा कि जब भी, यानी किसी नाउन के अंत में, यानी किसी नाउन के अंत में जब यफ या एफ ई दिया रहेगा, यानी किसी नाउन के अंत में यफ या एफ ई दिया रहता है, तो यफ या एफ ई को हटाकर हम VES लिखते हैं। जैसे आप देख लेते हैं, यानी कहने का तात्पर्य है कि किसी नाउन के अंत में यफ या एफ ई, यानी किसी नाउन के अंत में यफ या एफ ई दिया रहेगा, तो क्या करेंगे हम, इसको हम रिप्लेस कर देंगे, इसको हटा देंगे, और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे हम, VES लिखेंगे, ठीक। किसका करना है, यानी यफ या एफ ई को हटा देना है, और क्या लिखना है आपका, VES लिखना है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं, कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका हो गया, वाइफ, डब्ल्यू आई एफ ई, ठीक है, वाइफ आपका यहाँ लिखा है, बढ़िया से लिख देते हैं, यानी वाइफ। तो यहाँ पे देखिए आपका अंतिम अक्षर क्या है जी, वी ई दिया है, यानी सॉरी एफ ई दिया है, तो क्या कर सकते हैं हम, डब्ल्यू आई एफ, एफ ई को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, यानी एफ ई के स्थान पे हमें क्या लिखना है, वी ई एस लिख देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, वाइफ से जाएगा। समझ में आ गई है, देखो यहाँ पे लास्ट में बताया गया एफ ई दिया रहेगा, जब आपका यफ या एफ ही दिया रहे तो इसको हटाने के बाद क्या लिखेंगे, वी ई एस लिखेंगे। तो आई में लास्ट में दिया एफ ई, इसको हटाने के बाद क्या लिखेंगे हम, वी ई एस लिखते हैं। अगला देखते हैं हम, नाइफ, के एन आई, के एन आई एफ ई, नाइफ भी जानते हैं हम लोग,
9 इसका क्या था, 4 होता है। इसका हमें लिखना है क्या, के एन आई, ठीक है, या फिर को हटा देंगे, क्या लिखेंगे, वी ई एस हो जाएगा आपका, ठीक है, आपको समझ में आया। अगला हम देखते हैं, अगला एग्जांपल हमारा जो है, जैसे मान लीजिए आपका डीआर है कॉफ, सी ए एल एफ, कॉफ इसका होता है बछड़ा होता है, ठीक है, आपको पता होगा कॉफ में बछड़ा होता है, तो कॉफ देखिए अंत में क्या दिया आपका, एफ दिया है, तो आपका हो जाएगा सी ए एल एफ के स्थान में क्या लिखना है, डी ई एस, यानी कह सकते हैं कि एफ या एफ ई को रिप्लेस कर देंगे क्या, उसके स्थान में क्या लिखना है, डी ई एस लिखना है। रिप्लेस का मतलब क्या, इसे हटा देना है, और इसके स्थान में क्या लिखना है, जी डी ई एस लिख देना है, ठीक है, समझ गए, कर लेंगे आप लोग, देखते हैं एक और लिख लीजिए आप लोग, जैसे मान लीजिए आपका हो जाएगा, जैसे आपका हो गया लीफ, ठीक लिख देते हैं, सबसे बेटर है, टी एच आई ई एफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थीप मिस क्या होता है, चोर, पता है आपको, अब देखिए यहाँ पे थीप मिस होता है चोर, अब थीप का आस्ट में दिया गया है आपका एफ दिया है, देखिए इसके पहले हम बताए थे आवेदन कासुर के बारे में, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्यों देखेंगे लास्ट में एफ या एफ ही दिया रहेगा, जब आपका एफ या एफ ही दिया रहता है तो इसके स्थान में क्या लिखना है, वी ई एस लिखना है, तो हम एफ को हटा देंगे तो आपका हो जाएगा टी एच आई ई, ये हमारा रहेगा, एफ को हटा दिए उसके स्थान में क्या लिखना है, वी ई एस, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपका वीडियो जो नहीं है यहाँ पे जो आपका बना हुआ है बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगले नियम पे हम पहुंचते हैं, देखिए यहाँ पे आपका रूल नंबर 9 पढ़े थे, अब हमारा 10वां नंबर जो है सेम टू सेम आपका उसी प्रकार से है, यही कहानी का तात्पर्य है कि सेम टू सेम जैसे आप इसके पहले पढ़े हो कि एफ या एफ ई दिया रहेगा तो एफ या एफ ई को हटा देंगे और उसके साथ में वी ई एस लिखेंगे, सेम टू सेम यहाँ पे भी आपका दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए आपका दिया रहे एफ, यानी यहाँ पे आपका दिया रहे एफ, एफ दिया रहे, डबल एफ दिया रहे, ठीक है, यानी एफ भी हो सकता है और डबल एफ भी हो सकता है, अथवा आर यानी एफ ई, यानी कहने का करें एफ दिया रहे चाहे डबल एफ दिया रहे चाहे एफ ई दिया रहे तो क्या करेंगे हम, केवल यस जोड़कर बहुवचन बनाएंगे। देखिए इसका कोई खास नियम नहीं होता है, ये जो आपके हैं आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, यानी एफ दिया रहे चाहे डबल एफ दिया रहे चाहे आर अथवा करके यानी एफ ई दिया रहे तो क्या करेंगे यस जोड़कर हम बहुवचन बना देंगे, ठीक है, तो यानी कह सकते इसको हटाना नहीं है, इसके पहले क्या कर रहे थे एफ दिया रहता था चाहे डबल एफ चाहे एफ ई दिया रहता था, यानी एफ एफ ई दिया रहता था क्या कर रहे थे उसको हटाने के बाद, यानी एफ या एफ ई एफ या एफ ई दिया रहता था तो इसके स्थान पर क्या लिखते थे जिसके पहले वी एस लिखते थे, लेकिन हमें ऐसा यहाँ पे नहीं करना है, इनको हटाना नहीं है, इन्हीं के साथ करना क्या है, चाहे एफ दिया रहे चाहे डबल एफ दिया रहे चाहे एफ ई दिया रहे, यानी एफ ई दिया रहे तो इसको हटाएंगे नहीं, इसी में क्या कर देंगे हम यस जोड़ देंगे, ठीक है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ गया यार, उम्मीद करते हैं कि आ गया होगा, और यहाँ पे हम देखें एग्जाम्पल अभी और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका दिया सी एच आई ई एफ, चीफ माने का होता है जी मुख्य, ठीक है, अब देखो यहाँ पे एफ आ गया, तो कितने बच्चे सोचते हैं कि अभी इसके पहले जो नियम बताया गया है कि अंत में आपका एफ या एफ ई दिया रहता है तो क्या करते हैं हम एफ या एफ ई को हटाते हैं उसके साथ में भी यस लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा ऐसा नहीं है, तो चीफ यहाँ पे दिया है कि हमारा जब बहुवचन बनाएंगे तो आपका हो जाएगा सी एच आई ई एफ एस। कुछ ऐसे नाउंस हैं जिन्हें आपको दिमाग में रखना पड़ेगा और बारीकी से समझना पड़ेगा तभी उसे आप कर पाओगे, इसका कोई विशेष नियम नहीं है, ठीक है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका हो गया क्लिफ सी एल आई डबल एल, अब देखिए यहाँ पे क्या गया क्लिफ, क्लिफ इस क्या होता है नहीं मालूम, चट्टान होता है, ठीक है, यानी क्लिफ दिया रहे यानी डबल एफ आ गया ना तो कुछ मत करिएगा सी एल आई डबल एफ एस जाएगा, ठीक है, यानी बहुवचन बनाने का ये नियम होता है कोई इसका, यानी कहा जाता है यहाँ पे एफ एफ या डबल एफ चाहे एफ ही दिया रहे इसको हटाना नहीं है, केवल यह जोड़कर हमें बहुवचन बना देना है, ठीक है, समझ में आ गया नहीं आया, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे आपका हो गया ग्रीफ जी आर आई ई एफ, ठीक है, अब ग्रीफ आपका दिया यहाँ पे आपका क्या आ गया एफ आ गया, तो यहाँ पे हम इसका जब बहुवचन बनाएंगे तो हो जाएगा जी आ
करते हैं आपको कि यानी कहने का तात्पर्य है कि जब यफ यफ या डबल यफ या यफ ई दिया रहेगा, ठीक है, यानी यफ या डबल यफ या यफ ई दिया रहता है तो उसे हम हटाएंगे नहीं, उसके साथ क्या करेंगे, उसी में यह जोड़ देंगे और आपका बहुवचन बन जाएगा। लेकिन इसके पहले जो नियम बताया गया था, यफ या यफ ई दिया रहता है उसे क्या करते हैं, हम उसको हटा देते हैं और उसके स्थान पर क्या लिखते हैं, वी ई एस। तो यह आपका हो गया दस नंबर हो गया रूल नंबर। अब हम अगले नियम के बारे में पहुंचते हैं। आइए हम यहाँ पे पहुंचते हैं रूल नंबर 11 पे। इसके पहले हम पढ़े रूल नंबर 10, यानी इसके पहले रूल नंबर 10 पढ़े हैं, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 11। अब 11 होता क्या है, अगला जो है बहुत से ऐसे पढ़े होंगे आप लोग जिसमें आप क्या करते हैं, वावेल्स को चेंज करके हम बहुवचन बनाते हैं। ये आप लोग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि कुछ ऐसे नाउंस होते हैं, यानी कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जिनमें क्या करते हैं, उसके बीच के वावेल्स को बदल कर हम क्या करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं, ठीक है। दिमाग में रखिए, एक बार और रिपीट करते हैं, यानी कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जिनमें जिनके क्या करते हैं, उसके वावेल्स को बदल कर, यानी उसके उनके बीच का जो वावेल्स वावेल्स क्या होता है, स्वर, उनके स्वर को बदल कर क्या कर सकते हैं, हम उसको बहुवचन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, बहुत ही आसान है, यानी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जिनके बीच के वावेल्स को बदल कर प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल नंबर कह सकते हैं, प्लूरल नंबर बनाते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि कैसे वह नाउंस हैं, कौन कौन से हैं। जैसे मान लिया हम ले लेते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि मैं, यानी यहाँ पे कर सकते हैं, सीधे सीधे कर लीजिए, ऐसे अन्यसन का मतलब बोले तो सिंगुलर नंबर, पीएन का मतलब बोले तो प्लूरल नंबर, ये आपको पहले बताया गया है। जैसे मान लीजिए सिंगुलर का मतलब, जैसे मान लीजिए आपका दिया है मैन, मैन सुने आप लोग, मैन किसका होता है, आदमी। मैन का प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा, जहाँ पे केवल एक आदमी रहेगा वहाँ पे मैन का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपका दिया है ए, ए आपका क्या है, वावेल्स है। अभी आपको बताया गया कि ए वावेल्स है और हमारा जो नियम क्या है, कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जिनके बीच के वावेल्स को बदल कर प्लूरल नंबर बनाते हैं। तो यहाँ पे बीच में हम आपका वावेल्स दिया है, इसी को हम बदल देंगे तो आपका प्लूरल बन जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैन ए दिया है, तो यहाँ पे हम इसको कार से कर सकते हैं जी, इसे हम कर सकते हैं यम ई एन, मीनिंग क्या हो जाएगा, बहुत से आदमी हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपका दिया है वुमेन, वुमेन, ठीक है, वुमेन दिया रहे, इसका हम बहुवचन बनाएंगे और डब्ल्यू ओ एम ई एन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका दिया है टूथ, टी डबल ओ टी एच, ठीक है, टूथ, तो यहाँ पे हम जब इसका बनाएंगे तो हो जाएगा टी डबल ई टी एच, टीथ वाले दांत होता है आपको पता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका दिया है फुट, तो इसका जब हम बनाएंगे बहुवचन का क्या हो जाएगा आपका, फिट। अब कहने का तात्पर्य यह है, देखिए बहुत से लोगों के दिमाग में समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसे हम चेंज करेंगे। तो हम बता दें कि इसका भी कोई विशेष नियम नहीं होता है, इसे अपने दिमाग में आपको सेटअप करना होगा, ठीक है। इसका कोई विशेष नियम नहीं है, जो आपके कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, यानी कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जिनको आपको दिमाग में सेटअप करना रहेगा और उसी के अनुसार आप एक वचन से बहुवचन में बना सकते हैं, ठीक है। तो हम पहुंचते हैं, रूल नंबर हमारा 11 था, अब हम पहुंचेंगे रूल नंबर 12। चलिए हम आज अब पढ़ेंगे रूल नंबर 12। इसके बाद हम पढ़े थे, इसके पहले जो हम पढ़े थे आपका रूल नंबर 11 था, और इसके बाद जो हमारा है रूल नंबर 12 है। अब 12 क्या, बहुत ही आसान है, देखते हैं यहाँ पे क्या है, यानी जैसे कहने का तात्पर्य है कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जिनके अंत में हम क्या कर सकते हैं, ई एन जोड़ देंगे, चाहे आर ई एन जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कहने का तो सीधे सब सुनिए कि यानी ई एन, यानी लास्ट में क्या करेंगे, ई एन जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। यानी कस ई एन जोड़ कर लिख देते हैं यहाँ पे, ई एन जोड़कर, यानी ई एन जोड़कर हम क्या करते हैं, बहुवचन बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पे हो जाएगा आपका कि जैसे मान लीजिए आपका दिया है चाइल्ड, सी एच आई एल डी, यानी ई एन या आर ई एल, ठीक है। तो चाइल्ड दिया है, तो चाइल्ड का बहुवचन क्या होता है,
बहुत से बच्चों के दिमाग में सेटअप होता है कि चाइल्ड का बहुवचन क्या होता है, तो कितने लोग जब नहीं जानते हैं तो वही पुराना घिसा पिटा हुआ नियम लगाते हैं कि चाइल्ड है हमें बहुवचन बनाना है तो कुछ मत करिएगा, क्या कर देंगे हम यस लगा देंगे, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे क्या करते हैं कि जब चाइल्ड दिया है तो बहुत से लोग क्या करते हैं सामान्य नियम लगा देते हैं कि यस या यस यस जोड़ दो हमारा बहुवचन बन जाएगा, तो बहुत लोगों का ऐसा इसका गलत नियम है। तो इसका प्रत्येक नियम है इसे बारीकी से समझना होगा कि जब आपका चाइल्ड दिया है तो यस लगाने से हमारा बहुवचन नहीं बनता है, यानी यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे चाइल्ड दिया है तो यहाँ पे देख लेते हैं सी एच आई एल डी एन जोड़ेंगे तो हमारा समझ में नहीं आ रहा है, अरे जोड़ के देख लीजिए चिल्ड्रेन चाइल्डेन या चाइल्डेन पढ़े आज तक नहीं पढ़े हैं तो चाइल्डेन नहीं होता है, क्या होता है चिल्ड्रेन होता है, ठीक है, यानी चिल्ड्रेन सी एच आई एल डी आर ई एन, ठीक है, यानी चाइल्ड का बहुवचन क्या होता है चिल्ड्रेन होता है। उसी प्रकार जैसे मान लिया हम पढ़ते हैं ऑक्स, ऑक्स मीन्स क्या होता है जी बैल, तो ऑक्स का क्या हो जाएगा आपका ऑक्सेन ओ एक्स ई एन, क्या ऑक्सीजन पढ़ते हैं ऑक्सीजन सुने हैं कभी ऑक्सीजन नहीं सुने होंगे, यानी ऑक्स का क्या होता है बहुवचन ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अब हम पहुंचेंगे यानी कहने का तात्पर्य कि आपको ये वीडियो जो है आपका बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बारीकी से समझिएगा, यानी जब रूल नंबर 12 जो हमारा है जब आपका कोई नाउंस ऐसे होते हैं जिनमें आप क्या कर सकते हैं ईएन या आर ईएन जोड़कर हम बहुवचन बना सकते हैं, उसमें आपका चाइल्ड है ऑक्स है ऐसे नाउंस है जिसमें हम ईएन या आर ईएन जोड़कर बहुवचन बना लेंगे। अब हमारा जो है अगला रूल नंबर देखते हैं रूल नंबर, चलिए आप रूल नंबर हमारा जो 13 देखते हैं कि 13 रूल नंबर हमारा क्या होगा, संभवतः या जो आप लोगों को बेसिक बहुत ही आसान है और यह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा जो हमारा 13 नंबर है क्या। लेकिन सबसे पहले इसमें जो होता है 13 नंबर के बारे में बता देते हैं, 13 नंबर जो है नियम जो है वह कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन समझते ही समझते हैं, अगर आप कंपाउंड नाउन नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन कर दिया जाए कि कंपाउंड नाउन होता क्या है। तो कंपाउंड नाउन जब एक से अधिक शब्दों से मिलकर जो बनता है, यानी एक से अधिक शब्दों से मिलकर जो बनता है उसे क्या कहते हैं हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम देते हैं कि एक से अधिक शब्दों का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपका हो गया फादर, फादर समझते हैं ना कि फादर, जैसे मान लीजिए आपका हो गया फादर या टी एच ई फादर हो गया आपका, अब फादर क्या है एक अकेला शब्द है, इसी में हम क्या कर सकते हैं इन ला, यानी कहने का तात्पर्य क्या है कंपाउंड नाउन होता क्या है सी ओ एम पी ओ यू एन डी कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन क्या होता है देख लेते हैं, यानी जब एक से अधिक, यानी जब एक से अधिक शब्दों से जो मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो फादर आपका अलग वर्ड है, इन आपका अलग वर्ड है, ला आपका क्या अलग वर्ड है, जब एक से अधिक शब्द आपका मिल गया तो आपका क्या हो गया कंपाउंड नाउन हो गया। और जब भी आपका कंपाउंड नाउन दिया रहेगा, ठीक है, जब भी आपका कंपाउंड नाउन दिया रहे तो उसके मेन वर्ड में, मेन वर्ड का मतलब आप जानते हैं मेन वर्ड जिसके बिना कोई काम नहीं चलता है, तो यहाँ पे देख रहे थे मेन वर्ड होता क्या है फादर इन ला, क्या फादर को हम हटा देंगे तो काम चलेगा नहीं चलेगा, तो हमारा फादर क्या हो जाएगा जी मेन वर्ड हो जाएगा। तो समझ में आ गया हो कि मेन वर्ड में ही क्या कर सकते हैं यस जोड़कर, यानी मेन वर्ड में यस जोड़कर ऐसे लिख देते हैं कि एम ए आई एन मेन वर्ड में यस जोड़कर, ठीक है, यानी हमारा 13 नंबर जो नियम है यानी कंपाउंड नाउन, यानी जब आपका दिया रहे कंपाउंड सी ओ एम पी ओ यू एंड कंपाउंड नाउन, ठीक है, कंपाउंड नाउन में क्या करते हैं कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में यस जोड़कर हम बहुवचन बना देंगे। तो कंपाउंड नाउन देखिए आपका क्या है, यही आपका पूरा है, इसमें मेन वर्ड क्या है फादर, इन आपका नहीं है ला आपका नहीं है, इनको निकाल देंगे तभी अपना पूरा अर्थ देगा, लेकिन इसका जो हम फादर इन ला यानी कंपाउंड नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं एक से अधिक शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका फादर इन ला क्या होता है ससुर होता है, ठीक है ससुर होता है। अब देखिए हम इसका बहुवचन बनाना है तो क्या करेंगे मेन वर्ड को ढूंढ लेते हैं, यहाँ पे मेन वर्ड आपको क्या दिखाई दे रहा जी फादर हो जाएगा, तो फादर में क्या कर सकते हैं हम फादर्स, यहाँ पे क्या कर सकते हैं इन ला, ये आपका क्या हो जाएगा जी बहुवचन हो जाएगा, इसे हम क्या कर सकते हैं पी एन, और ये आपका क्या जी यस एन, ठीक है, यानी प्यूरल और सिंगुलर यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं मदर इन ला एम ओ टी एच ई आर
आई एल एल ए डब्ल्यू, और मदर इन लॉ माने क्या होता है जी, सास होता है। ठीक है, यानी अब तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। जब आपका कंपाउंड नाउन दिया रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, मेन वर्ड में यस जोड़ेंगे, आपका बहुवचन बन जाएगा। तो जैसे आपने किया मदर है, मदर आपका क्या कंपाउंड, मदर इन लॉ आपका क्या कंपाउंड नाउन है, अब यहाँ पे मदर क्या आपका मेन वर्ड है, तो क्या करेंगे यहाँ पे एम ओ टी एच ई आर एस मदर्स यहाँ पे लिख सकते हैं इन लॉ। ठीक है, आपको समझ में, इसे आप बना सकते हैं एस आई एस टी ई सिस्टर इन लॉ। ठीक है, सिस्टर इन लॉ माने क्या होता जी, अरे समझ गए होंगे, सिस्टर इन लॉ क्या होता है, साली होता है, साली समझते हो ना, सभी को मालूम होगा। तो सिस्टर इसमें आपका क्या मेन वर्ड है, तो क्या हो जाएगा सिस्टर से यहाँ पे हो जाएगा इन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लॉ हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका यह कंपाउंड नाउन है, सिंगुलर से प्लुरल कैसे बनाया जाता है यहाँ आपको बताया गया। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जो बताया गया था, यानी जो भी आपका नंबर नाउन एंड द नंबर के बारे में आपको जितनी भी आपको वीडियो मिले हैं, यह वीडियो नंबर तीन आपका होगा, इसमें आपको तीनों वीडियो में आपको यह बताया गया है कि कैसे हम सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आपको कोई भी तनिक भर भी मन में कोई जिज्ञासा है कि हमें यह नहीं समझ आया, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, निश्चित रूप से हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।